अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जो कि है गाजर का जूस। तो आप ज़रूर ट्राई करना, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। मैंने कुछ स्क्रीन पे दिखाए हैं आपको, मैंने 5 ही दिखाए हैं लेकिन बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो आप ज़रूर बनाना, बहुत जल्दी बन जाती है ये ड्रिंक। तो ये मैंने 200 ग्राम गाजर ले लिए थे, इसकी स्किन निकाल लेनी है और इसको मीडियम साइज़ में कट कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज़ में इसको कट कर लिया था। अच्छे से वॉश कर लेना है फिर कट कर लेना। ये देखिए, मैंने कट कर लिया और मैंने कुछ डेकोरेट करने के लिए इसको फूल जैसा कट किया था, फूल की डिज़ाइन में। ये देखिए, ऊपर से लगाने के लिए। ये कैसे कट करना है फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मिक्सी में हमको ले लेना है गाजर के पीसेस और उसमें पानी डालना है। 1 कप पानी डाला था मैंने। अगर ज़्यादा थिक रखना है तो कम पानी डालिएगा, या अगर लिक्विड लिक्विडली ज़्यादा रखना है आपको तो ज़्यादा पानी डालिए। और इसको पीस लेना है बारीक। और मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली थी इसमें। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिएगा, मैंने शक्कर डाली थी थोड़ी सी। ये देखिए, अगर आप कोई पेशेंट के लिए बना रहे हो तो शक्कर मत डालिएगा। अगर बच्चों के लिए दे रहे हैं तो शक्कर बना डाल के देंगे तो ही बच्चे इसको पियेंगे, इंजॉय करेंगे ड्रिंक। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। अब इसको छन्नी से छान लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी आपको। और बहुत ही हेल्दी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को, बड़ों को, सबको ही अच्छा लगेगा ये पीने में ड्रिंक। तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, मैंने उसको छन्नी से छान लिया था। और ये 200 ग्राम गाजर में मैंने 1 गिलास बनाया था, मैंने ज़्यादा ठीक रखा था इसको। अगर आपको पतला करना है तो आप पानी ज़्यादा डाल देना इसमें, ज़्यादा मतलब एकदम ही ज़्यादा मत पानी डालना, नहीं तो एकदम पतला भी अच्छा नहीं लगेगा। और बनाना ज़रूर एक बार और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी। ये देखिए, मैंने इसको वैसे डेकोरेट कर लिया है और मैं इसको ग्लास में डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाना। मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए कितना कलर भी कितना प्यारा लग रहा है इसका, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे कैसी लगी और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।